नमस्कार दोस्तों, कुकिंग लाइव सुविधा किचन में आपका स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू से बहुत ही टेस्टी बनने वाले स्नैक्स, जो बेहद ही पसंद आएंगे आपको। और ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट रहता है। आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। ये देखिए, मैं पास से आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं ये। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही पसंद आएंगे सभी को, सभी खुश हो जाएंगे। और अभी वैसे भी त्यौहार आने वाले हैं, तो त्यौहार पर आप इसे बना सकती हैं। किसी भी त्यौहार पर स्नैक्स में आप इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही पसंद आएंगे। देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये कैसे बनाए जाते हैं, तो चलिए बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम एक बाउल लेंगे, उसमें यहाँ पर देखिए 1 कप मैंने ये मैदा लिया है। अभी इसमें 1 कप हम गेहूँ का आटा मिक्स करेंगे। इसे हम मैदे मैदे में नहीं बनाएंगे, इसमें हम गेहूं का आटा ऐड करेंगे। और आधा कप ये मैंने लिया बेसन। यहाँ पर देखिए, अभी इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। और अभी इसमें थोड़ी सी यहाँ पर अजवाइन डाल देंगे, आधा चम्मच अजवाइन को थोड़ा सा हाथों से मसल कर डाल देंगे। अजवाइन डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती है, इसे डालने से टेस्ट भी अच्छा रहता है, तो अजवाइन को डाल देंगे। अभी देखिए, यहाँ पर ये सूखी मिर्च होती है जो लाल वाली, वो दरदरी से पीस लेते हैं, वो डाली मैंने आधा चम्मच। अभी 4 से 5 चम्मच इसमें यहाँ पर हम ऑयल डाल देंगे। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं मोइन के लिए, तो इसे मोइन डालने से बहुत ही अच्छा खस्ता बनेगी जो भी हम स्नैक्स बनाएंगे। अभी इसे हाथों से अच्छी तरह से मसल लेना, जो घी है या तेल है जो जो मैंने डाला है, वो अच्छी तरह से आटे में मिक्स होना चाहिए। तो हाथों से अच्छी तरह से इसको पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसमें हम पानी डालकर आटे को तैयार कर लेंगे। जैसे नॉर्मल रोटी का हम तैयार करते हैं आटा, वैसा ही हमें आटा यहाँ पर लगा लेना है। अभी यहाँ पर देखिए, मैंने पानी डालकर आटे को अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। अभी यहाँ पर आटे पे थोड़ा सा हम घी लगा देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से चिकना हो जाए। यहाँ पर देखिए, मैंने आटे पर घी लगा दिया है। अभी अच्छी तरह से इसको मसल कर रख देंगे कम से कम 5 मिनट तक। चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने उबले हुए 3 आलू लिए हैं, जिनको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। एक बाउल में इसको निकाल लेंगे। अभी इसमें यहाँ पर देखिए, ये कॉर्नफ्लोर का आटा है, इससे जो आलू का मिक्सर होता है ना, मैं जैसे चिपचिपापन होता है वो नहीं आएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इसमें नमक भी डाल दिया है, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया था। अभी 5 मिनट के बाद आटा हमारा अच्छी तरह से रेस्ट कर चुका है। अभी इसको भी हम थोड़ा सा मसल लेते हैं हाथों से। ये देखिए इस तरह से, ये बिल्कुल नहीं तो ज़्यादा टाइट है, नहीं ज़्यादा ढीला, इस तरह से आटे को हमने तैयार करना है। अभी इसके 2 पीस हम कर लेंगे, 1 पीस हम उठा लेते हैं, अभी इसको ढक कर रख देंगे। तो यहाँ पर 1 पीस हमने उठा लिया है आटे का। अभी यहाँ पर सूखा आटा लेंगे और यहाँ पर आटे को अच्छे, जैसे रोटी बनाते हैं ना, इसकी बड़ी रोटी बनानी है हमने, बिल्कुल न ज़्यादा मोटी बनानी है, नहीं ज़्यादा पतली बनानी है, ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम बेलन की सहायता से इसकी रोटी बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने रोटी बना लेनी है। कोनों से बिल्कुल अच्छी तरह से इसको बेलना है, कोई भी कॉर्नर है जो मोटा नहीं रहना चाहिए, एक समान रोटी बेलनी है हमें। तो ये देखिए, 1 रोटी हमने बना ली है, इस तरह से तैयार कर ली है। तो चलिए दूसरे आटे की भी हम रोटी बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ भी सूखा आटा लगा लेंगे ताकि बेलने में आसानी रहे। तो यहाँ पर सूखा आटा लगा लेंगे, अभी इसको भी हम रोटी बेल लेते हैं, इसकी भी बड़ी रोटी बना लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर ये भी हमने बड़ी रोटी बना ली है। अभी जो हमने आलू तैयार किए हैं ना, वो उसके ऊपर से लगा देंगे। तो चलिए, यहाँ पर रोटी को पहले हम दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, इस तरह से वो रोटी को हमने बना लिया है। थोड़ा सा और इसे कोनों से अच्छी तरह से बेल लेंगे इस तरह से। अभी आलू जो हमने स्टफिंग तैयार की है आलू की, वो इसके ऊपर से लगा देंगे। देखिए, अच्छी तरह से इसको फैला देते हैं। ये स्नैक्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल इतना अच्छा टेस्ट लगता है, क्योंकि हमने आलू भरा ना इसके अंदर,
बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता, जैसे समोसे वाला टेस्ट आएगा इसके अंदर, बिल्कुल वही। अभी देखिए सारे जो कॉर्नर है, जो किनारे है ना, उसके ऊपर से भी फैला कर लगा लेने हैं आलू, सारी रोटी पर अच्छी तरह से फैला देंगे। और ये देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने फैला दिया है। अभी जो दूसरी रोटी है उसको उठाएंगे और इसके ऊपर ऐसे रख देना है। तो चलिए अब इसे हम, ये तो हमारी तैयार हो गई, अब दूसरी रोटी इसके ऊपर से ऐसे फैला देना है, जहाँ से छोटी पड़ रही है वहाँ से इसको थोड़ा सा हाथों से ऐसे इसको बढ़ा लेंगे तो ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से इसको खींच लेना, थोड़ा सा किसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपने आप ऐसे सेट हो जाएगी। उसे थोड़ा सा दबा देंगे कोनों से, ऐसे दबा देना है। ये देखिए इस तरह से कॉर्नर हमने दबा देने हैं। अभी यहाँ पर बेलन लेंगे, हल्के हाथों से ना इसको ऐसे प्रेस करना, थोड़ा सा ऐसा फैला देंगे ताकि जो आलू हमने भरे हैं ना वो सारे अच्छी तरह से अंदर सेट हो जाए। अभी यहाँ पर नाइफ़ लेंगे, कोई अच्छा सा नाइफ ले जो अच्छी तरह से कट कर दे। देखिए इस तरह से इसके पीस बना लेने हैं, इस तरह से पीस बना लेंगे। और जो ये कॉर्नर के एक्स्ट्रा बच जाएंगे ना, इन्हें फेंकेगा मत। देखिए इस तरह से इसके पीस बना लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए अभी एक पीस उठाएंगे इसमें से, और देखिए इस तरह से हमने शेप देनी है। एक कॉर्नर को हम आपस में मिला देंगे, अभी जो पीछे वाले कॉर्नर हैं उनको भी आपस में मिला देंगे। बहुत ही अच्छा, जैसे गुलाब की शेप आ जाएगी, गुलाब का फूल होता है वैसे ही शेप आएगी इसकी, बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में भी। जैसे अभी त्यौहार आने वाले हैं तो त्यौहार पर आप इन्हें बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगेंगे देखने में भी और खाने में भी। कोई भी गेस्ट आएगा उसके सामने आप इन्हें जब रखोगे तो वो पूछेगा ये कैसे बनाए, तो बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं ये, आप ज़रूर से बना कर देखिएगा। ये देखिए इस तरह से बना लेने, बिल्कुल आसान है। आगे से इनको ऐसे करना है, पीछे वालों को ऐसे ज्वाइंट हो जाएंगे, धीरे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए ऐसे ही सारे बना लिए, अभी तेल भी गर्म हो चुका था तो उसमें छोड़ते जाएंगे, जितने पीस आसानी से आ जाएंगे ना कढ़ाई में उतने पीस हम छोड़ते जाएंगे। इन्हें ना बिल्कुल यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था, लेकिन बाद में गैस को मैंने मीडियम कर दिया था। जब ये धीरे धीरे पकेंगे ना तो बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट रहता है, अंदर तक पकेंगे। तो यहाँ पर गैस को मीडियम से लो रखना है, उसके बाद इन्हें देखिए ऐसे उलट पुलट कर सेंक लेंगे। और ये देखिए बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है इनका, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं प्लेट में, और जो बाकी बचे हैं ना उनको भी हम ऐसे ही सेंक लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया इनका, तो दोबारा जो बैच बचा है उसको हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ना ये कढ़ाई में आ गई है, और बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में और खाने में भी, बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है इनका। जैसे समोसे का टेस्ट आता वैसे ही इनका भी आता है। ये देखिए यहाँ पर ये दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो गया है, तो इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इन्हें आप सर्व कर सकते हैं रेड चटनी के साथ, जो ये टमाटो केचप आती है उसके साथ, हरी चटनी के साथ भी बहुत ही अच्छे लगते खाने में ये। आप ना तो चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, इंजॉय कीजिएगा ज़रूर। अभी फेस्टिवल आने वाले हैं तो ये ज़रूर बना के देखिएगा, सभी खुश हो जाएंगे देखकर और इन्हें खाकर। तो ये देखिए मैं एक तोड़कर भी दिखाती हूँ आपको, देखिए कितने अच्छे बने हैं ये, खाने में भी बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट लगता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।